अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और कुछ बेहतर करने की सोच रहे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि हमारे सब्सक्राइबर और हमारे दोस्त जो हैं ये पूछ रहे थे कि कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, दुबई, इनमें से कौन सी कंट्री सबसे बेहतर रहेगी जॉब के लिए। तो आज यही टॉपिक है हमारा। तो आज ये हम बताने वाले हैं कि कौन सी कंट्री आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी जॉब के लिए, और कौन सी कंट्री में कम खर्चा है और कौन सी कंट्री में ज़्यादा खर्चा है, ये भी हम बताने वाले हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कतर, ओमान, बहरीन या कुवैत या दुबई, सऊदी, इनमें सबसे बेहतर जो कंट्री, जो सबसे ज़्यादा खर्चे वाली कंट्री है, वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे होता है, कौन सी कंट्री में होता है और किस कंट्री में आपको बेहतर रहेगा जॉब के लिए जाना, ठीक है, वो मैं बताने आ रहा हूँ। तो आप सबसे पहला काम, तो आप दुबई कभी मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि दुबई में आप कभी भी कमाई नहीं कर पाओगे और वहाँ पर आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। पैसा वहाँ पे इसलिए ज़्यादा खर्चा हो क्योंकि देखिए वहाँ पे खुला माहौल है, आप वहाँ पे गलत काम भी कर सकते हो, शराब आम है वहाँ पे, बियर बार भी है, ठीक है। आप वहाँ पे कोई लड़की होगी या उसको अपनी गर्लफ्रेंड भी बना सकते हो, घुमा भी सकते हो, तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप जाओगे तो आपको बहुत तकलीफ़ों में, मतलब रूम का भी रेंट देना है और कंपनी में बहुत कमी, मतलब जो है काम लग पाता है, सैलरी भी बहुत कम मिलती है, 1200 सैलरी मिलती है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कुवैत की बात करते हैं तो कुवैत में भी आप ये समझ लीजिए सैलरी वहाँ पे आपको 100 दिनार भी है वहाँ पे चलता है, 100 दिनार वैसे मिलता है वहाँ पे, ठीक है, कुवैत में 100 दिनार चलता है स्टार्टिंग में, और वहाँ पर भी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ऊपर से कोई कमाई नहीं हो पाती है, ठीक, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। और आप यही ओमान में जाएंगे, ओमान में तो सबसे पहला काम है कि भाई एम्प्लॉयमेंट काम बहुत कम होता है, विजिट पे ही लोग जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं, 3 महीना गुजारते हैं, उसके बाद में पता नहीं एम्प्लॉयमेंट होता भी है या नहीं होता है, बहुत दिक्कत वाली बातें हैं। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा है, आप कुछ भी काम कर सकते हो वहाँ पर, अलाउ है, ठीक है। और बहरीन वगैरह का तो जल्दी वीज़ा ही नहीं लगता है, ठीक है, बहरीन में तो जल्दी वीज़ा नहीं लग पाता है। और कतर में जो हो गया वो आपका सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वहाँ पे, तो वो ड्राइवर की है, ठीक है, ड्राइवर में ही सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आपको ड्राइवरी में जाना है तो आप जा सकते हैं, 1700 सैलरी आपको मिलेगी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो सबसे बेटर जो कंट्री आप लोगों के लिए रहेगी जॉब के लिए वो है सऊदी अरब, ठीक है। आप सऊदी अरब आएंगे तो आपका आसानी से वीज़ा मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको हेल्पर से ले करके सारी कैटेगरी है, मतलब हेल्पर, ड्राइवर, सुपरवाइज़र और वेटर, मतलब कई तरीके की यहाँ पे जॉब भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ड्राइवरी में आते हैं तो आपका लाइसेंस भी यहाँ पे आराम से बन जाता है, और यहाँ पे कोई ज़्यादा खर्चा वाला सिस्टम भी नहीं है कि, मतलब आप पहली बात तो लड़कियों को देख नहीं सकते हो यहाँ पे, ठीक है, शराब यहाँ पे ममनू है, मना है, और बियर बार है नहीं, ठीक है, तो खर्चे यहाँ पे बहुत कम है, और सैलरी भी जो है वो भी यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाती है, 1400-1500 सैलरी से स्टार्ट यहाँ पे होता है, अच्छा काम है। कंपनी में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा, मतलब यहाँ का रिव्यू मिलेगा और बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है, और आप यहाँ पर आइए, सैलरी आपको ठीक मिलेगी, सऊदी अरब इज़ द बेस्ट, ठीक है। सऊदी अरब में आप आएंगे तो आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ना ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा, आसानी से वीज़ा लग जाता है, किसी भी टाइम आप मेडिकल करवा करके हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में आपका वीज़ा लग जाता है, ठीक है। और एक प्लस पॉइंट और भी है, वो प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आप यहाँ पर जॉब करने आते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे जॉब करने आते हैं तो आपको सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको उम्रा करने को मिल जाएगा, ठीक है,
आपको मदीने की ज़ियारत करने को मिल जाएगी, और भी जगहों की ज़ियारत आपको करने की मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको सऊदी अरब बताऊंगा कि आप सऊदी अरब आइए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और किसी कंट्री में जाएंगे तो आप नुकसान उठाएंगे और पैसा भी नहीं इतना मतलब वहाँ पे कमा पाएंगे, क्योंकि यहाँ के पैसों में बहुत ज़्यादा बरकत है। और आदमी यहाँ पे अगर 1500 सैलरी में आता है तब भी 20-25-30 हज़ार रुपये आराम से भेज देता है। ठीक है, इधर उधर से करके 20-25 हज़ार रुपये तो आराम से भेजता ही है। तो इसलिए मैं सऊदी अरब कहूँगा। और आप हज भी कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्म भरा जाता है हज से पहले, वो फॉर्म भर दीजिए, आप हज भी कर सकते हो अगर यहाँ जॉब करने आए हैं आप। ठीक है, तो सऊदी अरब में आने से आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप सऊदी अरब आते हैं तो आपको मोस्ट वेलकम है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे दोस्त यार जो जितने भी हैं और हमारे सब्सक्राइबर जो पूछ रहे थे, उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग सऊदी अरब आइए, सऊदी अरब आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, आपका वीज़ा भी सही से लग जाएगा, जल्दी लग जाएगा, आपको जॉब भी यहाँ पे सही से मिल जाएगी, जल्दी हो जाएगी, आपका इकामा भी जल्दी बन जाएगा। अगर आप ड्राइविंग में आते हैं तो आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा, कंपनी रहने को भी देती है, खाना भी कोई कोई कंपनी देती है। ठीक है, अकोमोडेशन भी है, टोटल चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी कंट्रियों में तो भाई कोई कंट्री रहने को भी नहीं देती है, खाना भी नहीं देगी। ठीक है, सब अपने पास से ही करना पड़ता है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो सऊदी अरब आप अगर आना चाहते हैं तो आप आइए, मैं आपकी मदद करूँगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कैसा वीज़ा चाहिए, कौन सा वीज़ा चाहिए, तो मुझे आप बताइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इसकी अगली नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।